अरे बुढ़े हो गए मर जाएंगे जब बनेंगे कब्रिस्तान, मेरे को लगता है क्या करी क्या करे सब लोग, सब सो रहे क्या, जागो जागो, ये जानबूझ के कर रहे हो या सही कर रहे हो नहीं मालूम, मगर कर तो सही, हम लोग बुढ़े हो गए मर जाएंगे जब करना, अभी लटक रहा हूँ मैं, अभी जाने का मेरे को मालूम नहीं, मैं बच्चे इतने पैसे नहीं के लेके जाएंगे कब्रिस्तान, इतना पैसा हम लोग के पास, गरीब लोग हम लोग, जरा करो भाई मेहरबानी करके। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताजा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। खबर फेस टू फेस में जिशान आजमी, सिया कब्रिस्तान अपडेट को लेकर आज फिर मैं सिया जामा मस्जिद पर मौजूद हूँ। जैसा कि लोग मुझे लगातार पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या अपडेट है, जिस तरह के हसन अब्बास ने जो है पिछले टाइम कहा था एक बार के 31 मार्च से पहले हो जाएगा, इलेक्शन में पहले हो जाएगा, उद्घाटन भी हो जाएगा, उनका वादा कितना सही है तो आप एक वक्त ही बता रहा है। और दानिश भाई ने भी 4 महीना पहले कहा था कि 1-2 महीना 1 महीने में हो जाएगा, फिर 2 महीने पहले कहा था कि 1 महीना पहले हो जाएगा। वसु भाई से बात करेंगे, वसु भाई ये जो वादा किया जा रहा है 4 महीना पहले भी कह रहे थे 1 महीने में हो जाएगा, अभी हसन अब्बास ने कहा था 31 मार्च से पहले हो जाएगा, इलेक्शन में पड़ जाएगा, कितना सच्चाई है इसमें? देखिए इसमें जो सच्चाई है वो पूरी नहीं है, काम जो है वो हो चुका है, हो जाएगा नहीं है, जाएगा का कोई सवाल नहीं, हो चुका है। और ये हसन अब्बास साहब या कोई साहब अगर बोलते हैं वो लोग फेकम फाक करते हैं, उन्हें शायद कुछ मालूम नहीं है ना कोई इल्म है उनको। मालोनी के जितने लोग हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो लाइलमी नहीं है, उनको इल्म नहीं है कि काम हो चुका है, होना नहीं है, सिर्फ हमको एक पावती की जरूरत है जो हमें पेमेंट भरना है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि बौरा समाज ने 10 लाख रुपया भर दिया है, बौरा समाज ने भर दिया है, तो 10 लाख भरना था ना? नहीं, सबका अलग अलग है, तो 10 लाख बौरा समाज ने भर दिया, हमको सिर्फ अपनी पावती मिलेगी, हम अपना पैसा भरेंगे, वो हमको किताबे में देंगे। और अगर कोई साहब ये बोलते हैं कि फला दिन हो जाएगा ढका दिन हो जाएगा, जो हमारे काम से हट के हैं वो खाली झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, वो लोगों को ना कुछ इल्म है ना वो लोग कुछ कर सकते हैं, चाहे मालूमी के कोई भी शख्स हो, एनीबॉडी कोई भी हो जो हमारी टीम में है, उसके अलावा किसी को इस बात का कोई इल्म नहीं है कि कब क्या होगा। तो क्या हम चाहते हैं जनता को भी जवाब देना पड़ता है, कंटिन्यूस होता है, करबला के जितने मेंबर है अगले जुम्मा को, अभी आप बीएमसी जाके आ चुके होंगे तो अगले जुम्मा को कुछ मेंबर आपके चौदह करबला के हमारे साथ रहे और क्या अपडेट है वो जनता तक पहुंचाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए अगले जुम्मे को जो हुआ था उन लोगों ने पेपर लिया, पेपर को सबमिट किया, आने वाले जुम्मा पर हमको क्या अपडेट मिलेगा आपको हम पूरी डिटेल देंगे और हम आपको साथ में लेके चलेंगे, हमको 2-3 दिन के अंदर उन लोगों ने बुलाया है, हो सकता है सोमवार या मंगल को, कल तो शनिचर है तो शनिचर तवार तो नामुमकिन है, सोमवार या मंगल को बीएमसी हम लोग जाएंगे, मीटिंग होगी, हमारे उलमा भी हमारे साथ जाएंगे, उनके सामने जो अपडेट रहेगा सामने आपके आप लाइव भी देख सकते हैं, आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जो सामने सामने बात होगी कोई छुपी नहीं है। और तंजीमें शहदाए करबला अपना पूरा काम ईमानदारी से अब तक करती चली आ रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको पाए तकमील तक पहुंचा देगी। सर उसमें जो कब्रिस्तान बनाने के खर्चे को लेकर आप क्या कहेंगे, कौन करेगा? जैसे कि पहले गोपाल शेट्टी जी ने कहा था कि मैं इस तरह से बनाऊंगा कि लोग देखने आएंगे, क्या उनमें गोपाल शेट्टी का भी सहयोग रहेगा या आप लोगों का रहेगा? जी हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने बीएमसी ने इसका फंड पास कर दिया है पहले ही, जो गोपाल शेट्टी साहब के पास ऑलरेडी मौजूद है। और इसमें देखिए एमपी एमएलए दोनों ही मिलेंगे तो ही एक डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं कि किसी एक को छोड़ के होगा, असलम भाई रहेंगे, गोपाल शेट्टी रहेंगे और हमारे तंजीम के लोग रहेंगे, जो डेवलपमेंट होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, वो करेंगे वही लोग, लेकिन हम लोगों की देखरेख में भी रहेगा, हम लोग देखेंगे भाई कि हमको कहां पर क्या बन रहा है, किस तरह के बन रहा है, हमको क्या सहूलियत दी जा रही है। गोपाल शेट्टी साहब ने जुमला कहा था कि मैं बहुत खूबसूरत कब्रिस्तान बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद भी यही है कि वो खूबसूरत ऐसा बनाएंगे कि लोग कब्रिस्तान में कभी नहीं घूमने आएंगे। ऐसी खबर है सिया कब्रिस्तान में पहले एक धक्का दिया गया, गुर्जना एक इंतकाल हुआ था, वहां पर धक्का है, सही बात है? देखिए वो कब्रिस्तान में गुर्जना को नहीं दफनाया गया है, उससे हट के दफनाया गया है, तो
बुरी बात नहीं है कि एक जानवर है, वो भी मौला से मंसूब था, वो जानवर मौला की शबी से मंसूब था वो, तो इसलिए उसको वहां पर दफन कर दिया गया है जो कब्रिस्तान से थोड़ी दूर पे हुई है। देखिए कब्रिस्तान के एरिया में भी आता है वो, उसी रेंज में है, लेकिन कब्रिस्तान के इन साइड में नहीं, आउट साइड में है, तो इससे कोई फर्क नहीं है। हाँ कर भी सकते थे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हुआ है तो वो भी जगह कब्रिस्तान के ही रेंज में रहेगी, क्योंकि वहां से आने जाने का रास्ता भी रहेगा, तो वो मौला से मंसूर था इसलिए उसको वहां पर दफन कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा हुआ जिन लोगों ने किया, वो अच्छा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया वसुम भाई। इस समय वसुम भाई ने कहा कि मीटिंग होने वाली और एक दो दिन में मंगलवार या बुधवार तक का बीएमसी जाएंगे और वहां पर अगर काम हो गया तो ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उद्घाटन में कोई देरी नहीं होगी। आप लोग हमारे इधर जो देखा है, आपका क्या कहना है, क्या कमेंट है, आप हमें लिख के बता सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए अपडेटेड ये है कि उन लोगों ने टाइम दिया है हमको, दो चार दिन के अंदर उनको बुलाएंगे। और यहाँ लोगों में गलत गलत अफवाहें रहती हैं और हकीकत आपको पेपर भी शायद मिला हो, दानिश भाई ने दिखाया हो कि कब्रिस्तान पास हो चुका है, सारे जितने पर उसके काम थे सब हो चुके करीब करीब। नहीं तो अभी उन लोगों ने टाइम नहीं दिया है, कुछ इलेक्शन के माहौल के हिसाब से उन लोगों ने टाइम नहीं दिया है। दो तीन दिन में वो लोग बुलाने वाले हैं हम लोगों को, और जाएंगे हम लोग बातचीत करके पूरा फाइनल कर लेंगे, क्योंकि अब सिर्फ हमको पावती से पैसा भरना है, बाकी कोई काम नहीं कब्रिस्तान में है। और यहाँ मालूनी जो लोग अफवाहें फैलाते हैं उल्टी सीधी, वो लोगों को कुछ इल्म नहीं है कि कब्रिस्तान का काम कहाँ तक पहुँचा है। मालूनी के जो लोग काम करने वाले हैं, जो कब्रिस्तान का काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे, वो आपको एकदम सही राय बताएंगे कि सही काम कहाँ तक पहुँचा है। और लोग जो भी हैं इन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, ये लोग सिर्फ उसको रखना डालने के अलावा कोई काम नहीं करते। यहाँ के आवाम, हमारी जो टीम है तंजीम शोजा करबला के जो अराकीन है और जो हमारे साथ हमारे मेंबर हैं, वो लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना काम हो चुका है। 99% काम हो चुका है, यानी सिर्फ 1% पावती के लिए रुका हुआ है, जिसकी मीटिंग के लिए हमको टाइम दिया जा रहा है। दो दिन चार दिन के अंदर हम वो भी इंशाल्लाह फाइनल कर लेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो फिर आपके सामने सारी चीज नुमाया हो जाएगी। आप बताइए, और सिया कब्रिस्तान इतना ताकीर हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पानी भाई घर से बता दे कि हम बीएमसी जाने वाले हैं, किसका कुछ पता ही नहीं चला। मेरा नाम सैयद हैदर रजा है और दानिश भाई अपने दिल से बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे रोज अपडेट भी आता रहता है उनका, मगर क्या करें, वो कुछ मजबूर इंसान है, उनका भी कुछ घर का मसला है, मगर वो कोशिश कर रहे हैं कब्रिस्तान में, जितने सालों से कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, ये एक सोचने की बात है। इसमें कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ है, आवाम जो शिया को आवाम है, वो लोग की भी तकलीफ है, क्योंकि वो लोग अगर साथ दे दानिश भाई का तो वो तुरंत एक दो साल में हो जाएगा, मगर दानिश भाई अकेले कितना करेंगे। और हमें मिलकर काम करना चाहिए कब्रिस्तान के लिए, सब शिया जागो, एहतियात लाओ एक दूसरे में, और साथ में कब्रिस्तान के लिए मेहनत करो बस। आपका मानना ऐसा है कि दानिश भाई का साथ तो दे नहीं रहा? हाँ यही मसला है ना, अगर ये मसला नहीं होता वस्तु भाई तो साथ है, ऐसे कई लोग वस्तु भाई है तो और दो चार दिन है वो साथ दे रहे हैं, मगर दो चार दिन से थोड़ी होने वाला है काम। अरे बुड्ढे हो गए, मर जाएंगे जब बनेगा कब्रिस्तान, मेरे को लगता है ऐसी क्या करे क्या करे, सब लोग सब सो रहे, क्या जागो जागो हम लोग के लिए जागो कम से कम। आपको क्या लगता है क्यों लेट किया है डायरेक्टर? अब वो क्या बोलेंगे लोग के, गवर्नमेंट वालों के हाथ पे क्या करेंगे, वो जानबूझ के कर रहे हो या सही कर रहे हो लोग नहीं मालूम, मगर करो तो सही, हम लोग बुड्ढे हो गए मर जाएंगे जब करना, जानबूझ के कर रहे। हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, मेहरबानी करके कब्रिस्तान बनाओ, हम लोग बहुत तकलीफ में है, अभी मैं लटक रहा हूँ, जाने वाला हूँ, कहाँ जाऊँगी कप्पासोड़ी में जाने के लिए 200-300 रुपए लगता है रिक्शा का, रिक्शा का अपना मर जाते तो 10,000-5,000 जाता है, 20-25,000 तक जाता है। अभी लटक रहा हूँ मैं, अभी जाने का मगर मालूम नहीं, मैं बच्चे इतने पैसे नहीं के लेके जाएंगे कब्रिस्तान, इतना पैसा हम लोग के पास, गरीब लोग हम लोग, जरा करो भाई मेहरबानी करके।